हरियाणा के पानीपत शहर के सेक्टर 25 में मात्र 6 साल की बच्ची का अपहरण के बाद दुष्कर्म करने और दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी दरिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 40 वर्षीय ईश्वर पुत्र सतपाल निवासी सेक्टर 25 कृष्णा गार्डन के रूप में हुई है। आरोपी विश्वकर्मा चौक स्थित नागपाल ढाबे पर काम करता है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान हुई और वह पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ चांदनीबाग थाना में केस दर्ज किया गया है। आरोपी को पुलिस मंगलवार को कोर्ट में पेश करेगी। वहीं पुलिस कोर्ट से आरोपी का रिमांड हासिल करने का प्रयास करेगी। पुलिस को दी शिकायत में बच्ची की मां ने बताया था कि वह मूल रूप से यूपी के जिला शहजानपुर का रहने वाली है। पिछले करीब 15 साल से वह परिवार सहित पानीपत के सेक्टर 29 पार्ट 2 में रह रही है। वह 3 बच्चों की मां है, जिसमें मझली बेटी 6 साल की थी। सोमवार सुबह करीब 9 बजे बच्ची पड़ोस में ही रहने वाली मौसी के घर गई थी। वहां से वह खेलकर वापस घर लौट रही थी। घर के करीब पहुंची तो वहां उसका 3 साल का भाई भी खेल रहा था। इसी दौरान वहां एक युवक आया जो बच्ची का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया। बच्चा रोता हुआ तुरंत अपनी मां के पास पहुंचा और बताया कि बहन को कोई ले गया है। मां तुरंत बाहर आई मगर बच्ची का कहीं कोई सुराग नहीं लगा। तलाशते हुए परिजन गंदे नाले के पास पहुंचे तो वहां उन्हें बच्ची अर्धनग्न अवस्था में मृत पड़ी हुई मिली।